जय हिंद गाइस, बूस्टर डोज में आपका स्वागत है। और हम इसमें पढ़ रहे हैं RSM SSB लैब असिस्टेंट फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड की जो सिलेबस है उसके अंदर साइंस का जो पोर्शन है उसके अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। और इसकी पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पीडीएफ के साथ इसको पढ़िए ताकि आपको अच्छे से याद रहे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के वर्णक्रम यानी कि स्पेक्ट्रम में प्रिज्म द्वारा सर्वाधिक विचलित डेविएट होने वाला कौन सा रंग है? तो वो होता है बैंगनी रंग, जिसको इंग्लिश के अंदर वॉयलेट रंग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा डेविएट होता है, तो विबग्योर। ठीक है, तो ये सबसे पहला है वॉयलेट। ठीक है, और ये जैसे प्रिज्म होता है ऐसा, ठीक है, यहाँ से ये प्रकाश पड़ रहा है। ठीक है, तो ये विबग्योर नीचे से चालू होता है। ठीक है, तो ये 7 कलर्स है, तो सबसे ज़्यादा जो डेविएट होता है वो होता है वॉयलेट कलर यानी कि बैंगनी कलर होता है। नेक्स्ट है कि रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक रेफ्रिजरेंट क्या होते हैं? मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर, फ्रिज के अंदर जो ठंडा करता है फ्रिज को, वो कौन सी गैस होती है या वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं फ्रियोन्स। नेक्स्ट, दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है? तो ये तो बच्चे को पता होता है कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक होता है। दूध से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं या जितने भी क्वेश्चन आए, आप तो लैक्टो से संबंधित आंसर लगा देना, 99% आपका सही होगा। नेक्स्ट, किस अंग के कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वो है किडनी यानी कि वृक्क। तो वृक्क किडनी के काम न करने से जो ब्लड होता है वो अशुद्ध हो जाता है, तो उसको शुद्ध करने के लिए या उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अलग करने के लिए या जो यूरिन होता है उसको अलग करने के लिए डायलिसिस किया जाता है। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? तो वो होता है प्रमस्तिष्क यानी कि सेरेब्रम। जो मेमोरी को कंट्रोल करता है, सेरेब्रम मेमोरी को कंट्रोल करता है। आपकी मेमोरी अगर किसमें स्टोर होती है तो वो होता है सेरेब्रम। और एक और होता है, वो होता है सेरेबेलम, जो आपकी बॉडी का बैलेंस, ठीक है, बैलेंस होता है। एक होता है मेडुला, जो आपकी बॉडी की जो आंतरिक टेम्परेचर है, आंतरिक क्रिया विधि है, उनको नियंत्रण में करता है। नेक्स्ट है कि राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसके संरक्षण का उदाहरण है? जब आप राइफल या कोई भी गन चलाते हो तो एक बैक इफेक्ट लगता है, तो वो रेखीय संवेग के संरक्षण का उदाहरण है यानी कि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का उदाहरण है। नेक्स्ट, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो वो थे भारतीय मूल के हरगोविंद खुराना। इनको नोबेल प्राइज भी मिला है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण, वहाँ सभी गैसों का वर्ग माध्य मूल वेग उनके पलायन वेग से अधिक है। ठीक है, कहने का मतलब जो गैसें हैं वहाँ पर भार मतलब जो चंद्रमा का जो वायुमंडल है उस वायुमंडल से बाहर निकलने का जो वेग है वो गैसों के मूल वेग से अधिक है। ठीक है, सॉरी कम है, इस वजह से वो गैसें वहाँ पर चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं बन पाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूँ मैं कि वहाँ पर जितनी भी मौजूद गैसें हैं उनका जो मूल वेग है, ठीक है, जो उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है उनके प्लाइन वेग से यानी कि एस के वेलोसिटी से अधिक है, इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। नेक्स्ट, किस एक कोशिकीय शैवाल यूनिसेलुलर एल्गी का उपयोग अंतरिक्ष में खाद्य की समुचित पूर्ति के लिए किया जाता है? तो वो है क्लोरेला। मतलब जो स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर जो रिसर्च करने जाते हैं तो वहाँ पर अपनी खाद्य पूर्ति के लिए वो क्लोरेला का इस्तेमाल करते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो ये तो सबको पता होता है, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। नेक्स्ट, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या कहलाती है? द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा कहलाती है। कोरोना काल में आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर सबसे पहले प्लाज्मा बैंक खोला गया था। ठीक है, तो ये द्रव्य की चौथी अवस्था होती है। प्रतिवर्ती धारा की माप किस यंत्र से की जाती है? तो हॉट वायर एमीटर से यानी कि तप्त वायर एमीटर से की जाती है प्रतिवर्ती धारा से।
प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो वो है ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन से। तो प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो उनके ध्रुवण से यानी कि पोलराइजेशन से अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्ताकार वलय यानी कि सर्कुलर रिंग का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? तो वलय वृत्त के केंद्र पर होता है। जो वलय का वृत्त वलय वृत्त होता है उसके केंद्र पर होता है गुरुत्व केंद्र वृत्ताकार वलय का। नेक्स्ट, मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? तो ये तो आप रट चुका होगा कि 7.4 होता है। नेक्स्ट, कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है? तो ये जीवाश्मों की आयु निर्धारित करने के लिए अपनाई जाती है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इससे पहले अपन ने जो बूस्टर डोज किया था साइंस का उसके अंदर ये कर चुके हैं अपन, आपको याद होगा। अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? तो यकृत यानी कि लीवर होता है। लीवर के लिए जो अल्कोहल होता है वो पॉइजन का काम करता है। ठीक है, तो शराब ना पिए, ना पीने के लिए किसी को कहें। नेक्स्ट, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? तो शरीर में रक्त बैंक का काम प्लिया यानी कि स्क्रीन करता है। तो ये थे टॉप 18 साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो के लिए मैंने आपको बताई दिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।